तो चलिए 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है? आप बुक जो है अपने पास रखेंगे, कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे, फिर आप इस वीडियो को देखें, समझें, कॉपी में लिखें, ठीक है, तो इसका ज़्यादा फायदा आप उठा पाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनमा पद एन दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप एक टेबल जो बना देख रहे होंगे, उसमें उसमें जो है ए के सामने अगर लिखा हुआ है, ए के नीचे लिखा हुआ है, देखिए 7, तो यानी ए का वैल्यू 7 दे रखा है, ठीक है। डी का वैल्यू जो है 3 दे रखा है, एन का वैल्यू जो है 8 दे रखा है, और ए एन के सामने रिक्त स्थान है, कुछ नहीं दिया है, तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग रिक्त स्थान होगा, किसी में ए नहीं दिया होगा, तो किसी में डी नहीं दिया होगा, किसी में एन नहीं दिया होगा, बाकी सब दिया होगा, है ना। 4 चीज है, 4 पद है, उसमें से 3 पद दिया रहेगा, 1 पद नहीं दिया रहेगा, और इसी तरह का क्वेश्चन ये पूरा एक्सरसाइज में आपको अलग अलग प्रकार से इनडायरेक्टली आपको इसी तरह का प्रश्न जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन बढ़िया से सीख जाते हैं ना, 5.2 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 5 क्वेश्चन अगर सीख जाते हैं, तो पूरा चैप्टर जो है ये 5.2 आपके लिए आसान होने वाला है, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, ठीक है। तो ए एन और टी एन एक ही है, तो ए एन टी एन का जो फॉर्मूला था वही हमारा ए एन का फॉर्मूला होगा। तो ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम इसका चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसको अवश्य देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ए एन का ये फॉर्मूला हो गया, एक ही जगह हम 7 रखेंगे, ठीक है। एन की जगह क्या दे रखा है, 8, तो हम 8 रखेंगे, और डी हमारा डी क्या है, 3 है, तो हम 3 देंगे, ठीक है। तो 7 + 8 में घटा क्या हो गया, 7 × 3 हो गया, तो 7 + 21 तो क्या हो जाएगा भाई, 28। तो हमारा इस प्रकार से ए एन क्या आ गया, 28 आ गया, क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ए का वैल्यू जो है -18 दे रखा है, डी की जगह देखिए रिक्त खाली स्थान है, यानी डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एन हमें क्या दे रखा है, 10, और ए एन हमें क्या दे रखा है, 0, ठीक है। तो फिर ए एन का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो एन एन का वैल्यू क्या दिया है, 0, तो एन की जगह हम 0 लिख लेते हैं, ठीक। ए की जगह क्या दे रखा है, -18, तो हम -18 लिखेंगे, प्लस की प्लस, एन एन की जगह क्या दे रखा है, 10, तो हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक। और डी की जगह क्या दे रखा है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि डी हमें ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करना है डी की जगह डी रहने देंगे, यहाँ ए एन ज्ञात करना था तो ए एन की जगह हम एन रहने दिए थे, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए अपने स्तर से, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये -18 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये क्या हो गया, 9, डी 10 में घट के 9 हो गया, तो 18 बराबर क्या आया, 9 डी आया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इधर गुना में इधर आके भागा तो ये कट गया, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे ए की जगह रिक्त स्थान है, यानी ए हमें ज्ञात करना है, डी की जगह -3 है, और हमारा एन की जगह 18 है, और ए एन जो है हमारा वो क्या दे रखा है, -5 दे रखा है, ठीक है। तो वही जो फॉर्मूला हमारा होता है, उस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब ए एन की जगह क्या रखना है, -5, क्योंकि वो दिया है, तो जहाँ ए एन था वहाँ -5 बराबर की बराबर, ए की जगह क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्ञात करना है, तो ए की जगह ए रखेंगे, एन की जगह क्या है, 18, तो 18 लिखिए, और डी की जगह क्या है, -3, तो -3 रखिए, ठीक। -5 की -5 रहने देते हैं, और ये ए प्लस क्या, 17 × -3, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा, 17 × 51 -5, और ये इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं, अगर इसको हम करेंगे तो ये 46 आ जाएगा, ठीक है,
प्लस में, तो ए हमारा क्या हो गया 46। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चार में ए बराबर क्या दे रखा है, -18.9। डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 2.5। एन का वैल्यू ज्ञात करना है, और ए एन का वैल्यू क्या दे रखा है भाई, 3.6 दे रखा है। ठीक है, तो फिर इसको फॉर्मूला के आधार पे बना देंगे। ए एन बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3.6। ठीक है, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू जो दे रखा है, -18.9। ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस, और फिर क्या होगा, एन ध्यान से देखिए, एन हमारा दिया नहीं गया है, इसलिए एन माइनस वन और डी की जगह क्या, 2.5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस में है, अगर आप चाहें तो इसको इस साइड ले आइएगा, ठीक है, बराबर के, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये ज्यों का त्यों, एन माइनस वन गुने 2.5। अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ के क्या आएगा, 22.5 आ जाना है। देख लीजिए, 18 3 21, और ये अपना जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के लिए तो आना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे ये जो गुना होगा, एक बार एन से गुना होगा और एक बार -1 से गुना होगा। ठीक है, तो इतना और घटाओ क्या, 2.5। ठीक है, 2.5 एक बार एन से गुना हुआ, और यही 2.5 एक बार एक से गुना हुआ। ठीक है, एन ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, और आगे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चूंकि अब ये क्या है, अंक है, अंक को अंक के साथ करना पड़ता है, तो ये माइनस में है, तो इधर आके प्लस हो जाना है। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये इधर क्या है, गुना में इधर आके भागा, तो 25/2.5 बराबर एन हो गया। ठीक है, अगर इसको आप काटे तो इसके बदले 10 ऊपर जाना है, 0.5 हटेगा, तो 25 25 कट गया, क्या बचा, 10। तो एन का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ए का वैल्यू जो है 3.5 दे रखा है, 3.5 दे रखा है, सही है। ठीक है, डी का जो वैल्यू है वो 0 दे रखा है, एन का जो वैल्यू है वो 105 दे रखा है, और ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया था वही 5वां क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं लिखते हैं। ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3.5। ठीक है, और एन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 105 - 1। ठीक है, एन का वैल्यू 105 दे रखा है, और डी की जगह क्या, 0। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 104 होगा, है ना, घट के, लेकिन 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म।